ऑर्थोटिक्स एंड प्रोथिस्टिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली चैप्टर ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आगामी 5 नवंबर 2024 को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रोथिस्टिक्स और ऑर्थोटिक्स दिवस के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदी भवन में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य प्रोथिस्टिक और ऑर्थोटिक्स क्षेत्र के पेशेवरों, समर्थकों और हितधारकों को एक मंच पर लाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों, स्वास्थ्य पेशेवरों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उन समाधानों पर चर्चा की जो दिव्यांगजनों के जीवन को सुधारने में मदद करे हैं। इस आयोजन में जागरूकता, पहुंच और सरकारी सहभागिता की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई। साथ ही पैरालंपिक एथलीटों के लिए नीति स्तर पर समर्थन का आग्रह किया गया। OPAI के दिल्ली चैप्टर के आयोजन सचिव अगेंद्र कुमार ने संगठन की प्रशंसा को साझा करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उन पेशेवरों को भी सलामी है जो अनगिनत लोगों के जीवन में गतिशीलता और स्वतंत्रता लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान और पूर्ण भागीदारी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। असिस्टेंट प्रोफेसरों, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जहां पे प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स की बैचलर लेवल डिग्री कोर्स और मास्टर लेवल की डिग्री कोर्स रन करते हैं। और इसी मिनिस्ट्री के अंदर पूरे देश में 16 कॉलेजेस है जो इस कोर्स को रन करते हैं और 7 मास्टर डिग्री कोर्स रन करने के कॉलेजेस भी हैं। और हमारे जो कोर्स हैं ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की अफिलिएशन के साथ रन करते हैं। और हमारा प्रोफेशन की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, ऑलमोस्ट हम लोगों के बिना एक रिहैबिलिटेशन कंप्लीट करना एक पॉसिबल ही नहीं है, जो एक पेशेंट्स को जब रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आर्टिफिशियल लिम्स जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं साइंटिफिकली, बायोमैकेनिकली और टेक्निकली, उस एस्पेक्ट को कोई भी उसको इक्वलेंस नहीं कर सकता है। माय नेम इज अगेंद्र कुमार, आई एम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फॉर दिल्ली OPAI चैप्टर फॉर दिस अपकमिंग इवेंट विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डे, जो 5 नवंबर 2024 में हिंदी भवन में मनाया जाएगा। उसमें जो लोग शामिल हो सकते हैं और जो लोग शामिल होंगे वो राइट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के मिनिस्टर, सेक्रेटरी, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, रिहैबिलिटेशन काउंसलर, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर, थेरेपिस्ट, वोकेशनल ट्रेनर, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन काउंसलर और जो भी फैटर्निटी के लोग हैं, रिहैब एक्सपर्ट, ये सब लोग शामिल होंगे। सभी मीडिया लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग आए और जन जन तक ये लोग हमारा अभियान पहुँचाए। सरकार से कोई मांग करेंगे? सरकार से जो हमने आपसे जो 3 मांगे की है, नंबर 1 है कि जो भी प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट है उसको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है वाइल सेपिंग द पॉलिसी फॉर PWDs और अदर फैटर्निटी है। और मैं प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है वो आपके माध्यम से ये है कि एक गैप है, एक ब्रिज डेवलप करना, यू नो, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के साथ और PNO प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के साथ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन जो सुविधाएं हैं इनके बारे में उनको नहीं पता है। तो आपके माध्यम से ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा उससे ये रहेगा कि जो लाभार्थी हैं वो आके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि पैरालंपिक स्पोर्ट्स एक चीज़ है जिसमें लोगों को काफ़ी मदद मिली है नई टेक्नोलॉजी से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है और वो इसके साथ जुड़े, ये बेसिक। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।